हमारी प्रदेश मीडिया की टीम को धन्यवाद, प्रत्युष कंग जी को, नीलकांत जी को और अशोक जी को जिन्होंने आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आपके समक्ष रखवाई है। हम सभी सांसद आपके समक्ष हैं, थोड़ी देर में हमारे हम लोग पांच सांसद अभी उपस्थित हैं और थोड़ी देर में हमारे दो और सांसद यहां उपस्थित होने वाले हैं, ऐसी सूचना है। मीनाक्षी जी थोड़ी सी अनवेल है लेकिन अभी समाचार मिला है कि वो भी यहां उपस्थित होंगी। रमेश जी भी ऑन द वे है। हमारे नेता प्रतिपक्ष भी हमारे साथ बैठे हैं और इस चुनाव में सह प्रभारी की भूमिका, इस चुनाव के लोकसभा चुनाव के लिए जिन्होंने बड़ी ही बखूबी निभाई है, श्री जयभान सिंह पवैया जी भी यहाँ हम सबके साथ उपस्थित हैं और हमारे महामंत्री राजेश भाटिया जी और हमारे उपाध्यक्षगण, अन्य भी कई पदाधिकारी आज इस अवसर पे यहाँ उपस्थित हैं। साथियों, ये 2019 का जो जनादेश है वो एक ऐसा इतिहास हम लोगों के सामने उपस्थित किया है जिस पर किसी भी पार्टी को गर्व हो सकता है, अपने कार्यकर्ताओं के ऊपर किसी भी पार्टी को गर्व हो सकता है, उसके अपने उस शख्सियत पे जो जिनको हमने प्रधानमंत्री का चेहरा बनाया फिर से। और पहली बार हमने देखा कि एक पार्टी को जिसको 2014 में क्लियर मैंडेट मिलकर के प्रचंड बहुमत के साथ देश की जनता ने बिठाया था भारत सरकार में, उसको दोबारा पहले से भी ज्यादा सीटों के साथ दोबारा स्थापित कर रही है। हम एक लाइन शुरू से ये महसूस करते थे, कहते भी थे कि 2014 के नरेंद्र मोदी देश की आस थे और 2019 के नरेंद्र मोदी देश के विश्वास है। उस विश्वास को जिस ऐतिहासिक रूप से ये पूरे वर्ल्ड का, विश्व के लोकतंत्र का इतिहास बन गया है जहां लगातार दो बार प्रचंड बहुमत से किसी पार्टी को भारत के सरकार में लाया गया है, हम इसके लिए दिल्ली की जनता का बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं। हमारे पास वो शब्द नहीं है। हमने 2014 में भी 7 सीटें दिल्ली की भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी और फिर दोबारा तमाम कयासों के बावजूद, तमाम ऐसे लोगों के बयानों के बावजूद कि 7 सीटें रिपीट करना बड़ा मुश्किल है, बड़े बड़े नाम भी इस चुनाव में आए, लेकिन रिजल्ट जब निकला तो एक बार सभी लोग दांतों तले उंगलियां दबा लिए और भारतीय जनता पार्टी के 7 प्रत्याशी पुनः पहले से भी ज्यादा मतों से इतिहास बनाते हुए जीत करके दिल्ली की सेवा में लगाए गए हैं। हम 5 उपस्थित हैं, 2 और आपके समक्ष उपस्थित होंगे। कुछ बातें बड़ी इंटरेस्टिंग है साथियों। आज हम लोग बीजेपी प्रदेश कार्यालय में दिल्ली और देश की मीडिया को, पूरे विश्व में जो लोग अपने निर्भीक पत्रकारिता से सम्मान दिलाते हैं वो सभी लोग, मैक्सिमम लोग यहां उपस्थित हैं, हम मीडिया का भी बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं। मीडिया ने जिस निर्भीकता के साथ और जिस निष्पक्षता के साथ आप लोगों ने 2019 के चुनाव में अपनी भूमिका निभाई है, उससे एक बार फिर से भारत की मीडिया के प्रति
देश का विश्वास और बढ़ा है। लोगों ने फिर भी साजिश करने की कोशिश की थी, विपक्षियों ने, लोगों ने फिर भी कोशिश की थी भ्रम फैलाने की, और कई घटनाएं तो राष्ट्रीय स्तर पे चली, जैसे गौतम गंभीर जी के क्षेत्र की जो घटना थी, जिस प्रकार की साजिश और भ्रम फैलाने की कोशिश हुई, और भी अन्य हर जगह हम देखते थे। चुनाव प्रचार बंद हो गया और अचानक अखबारों के साथ पर्चे बांटे गए, ये कहा गया हम मोदी भक्त हैं, लेकिन एक मनोज तिवारी हार जाए तो कुछ नहीं होने वाला है, बाकी हर जगह मोदी जी जीत रहे। मुझे लगा शायद मेरे लिए लिखा होगा, बाद में पता चलता है ये सब प्रवेश वर्मा के लिए भी लिखा गया है, यही मीनाक्षी लेखी जी के लिए लिखा गया है, यही हंसराज हंस जी के लिए, डॉक्टर हर्षवर्धन जी के लिए, गौतम गंभीर जी के लिए, रमेश भिदुड़ी जी के लिए, सबके लिए लिखा गया कि हम तो मोदी भक्त हैं, मोदी जी तो आ ही रहे हैं, अपना मोदी आएगा, लेकिन ये एक सीट नहीं आएगी तो कोई फर्क नहीं पड़ जाएगा। लेकिन मैंने देखा कि मीडिया ने ऐसे भ्रम और साजिश को जरा भी ध्यान नहीं दिया। हम इसके लिए मीडिया को, दिल्ली के मीडिया को हम नमस्कार करते हैं, हम आपको प्रणाम करते हैं। हम सभी जानते हैं ये देश चार खंभों पे टिका हुआ है और उसका एक चौथा स्तंभ मीडिया है। ये भी इस साल की बहुत बड़ी घटना है, इसको हम छोटा मान के नहीं चलते। देश की जनता ने अपना विश्वास जताया है और ऐसी स्थिति में हम सभी के साथ, मुझे भी जो चुनौती मिली थी, कई लोग हमसे पूछे आपको कैसा लग रहा है, तो हम तो चुनाव में ये थोड़ी बोलते कि मेरा मन घबरा रहा है, हम काहे को बोलने जाए, चुनाव की रणनीति है। लेकिन जिसके सामने तीन तीन बार की मुख्यमंत्री खड़ी हो, वो मात्र तीन बार की मुख्यमंत्री नहीं बल्कि भारतीय राजनीति की एक ऐसी नाम है शीला दीक्षित जी, कि जब वो स्वयं आ गई तो एक बार मन में भय होना तो निश्चित ही था, हम सब भी इंसान हैं। लेकिन रिजल्ट आने के बाद जो रिजल्ट आया है, मैं पिछली बार 1,48,000 वोटों से जीता था, इस बार नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में वो अंतर 3,67,600 वोटों का हुआ। हालांकि मैंने चुनाव में कभी नहीं कहा कि मैं शीला दीक्षित जी को चुनाव हराने के लिए लड़ रहा हूं, ना तो मैंने आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट को हराने की बात कही। हमने हमेशा कहा हम नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की दुर्दशा को हराने के लिए लड़ रहे हैं। हमारी पॉजिटिविटी नरेंद्र मोदी जी से आती है। नरेंद्र मोदी जी ने देश में जितना मेहनत किया, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी ने जैसे हम सभी प्रदेश अध्यक्षों, जिला अध्यक्षों, मंडल अध्यक्षों के साथ बूथ अध्यक्ष और पन्ना प्रमुख तक जिस प्रकार से उन्होंने ऊर्जा भरी है, उसके लिए हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का धन्यवाद करना चाहते हैं। और जो सकारात्मकता हमें नरेंद्र मोदी जी ने सिखाई है, हम उसी को लेकर के चुनाव में गए। हमने अपनी भाषा का, अपने व्यवहार का, अपने बॉडी लैंग्वेज का हमेशा ध्यान रखा और आज दिल्ली ने जो हमारे नॉर्थ ईस्ट दिल्ली सहित हमें 7 की 7 सीटें वापस ऐतिहासिक मतों से दी है, उसके लिए हम दिल्ली की जनता का शत शत वंदन करते हैं, उनका नमन करते हैं। ये हम कर्ज मान के चल रहे हैं, कर्ज पाई पाई चुकाएंगे, लेकिन 1 से 7 हम जोड़ेंगे जरूर कि हमारा चुनाव अभी समाप्त नहीं हुआ है। हमारा ये 2019 के लोकसभा के चुनाव के साथ हमारा चुनाव 6 महीने का है। पहले चरण का चुनाव हुआ, रिजल्ट आया है, हमारा दूसरा और अंतिम चरण फरवरी में है और हम दिल्ली को सर्वश्रेष्ठ दिल्ली बनाने के लिए, दिल्ली को दिल्ली के लोगों के सपनों की दिल्ली बनाने के लिए हम अभी लगातार इस प्रचार में लगे हुए रहेंगे। और हम जैसे 7 सीट जीते हैं, वैसे ही क्योंकि हमारी जो सब सीटों का आप समीक्षा करें तो हम लोग लगभग 65 सीट विधानसभा की सीट इस चुनाव में जीते हैं। अगर हम इस तरह से लोगों का विश्वास पाए हैं तो 6 महीना बाद भी हम उसको निश्चित रूप से पाएंगे, क्योंकि दिल्ली न तो पेरिस बनना चाहती है, न शिकागो बनना चाहती है, दिल्ली सर्वश्रेष्ठ दिल्ली बनना चाहती है।
और उसको बनाने के लिए हम दिल्ली की जनता से ये प्रार्थना करते हुए कि एक बार 22 साल का वनवास आप हमारा बीजेपी का समाप्त करें, हमें 5 साल के लिए दिल्ली दीजिए, देश में मोदी, दिल्ली में भाजपा, तभी बनेगी बात, दिल्ली चले मोदी के साथ। इन्हीं प्रार्थना के साथ हम गलियों में अभी लगे रहेंगे। आप सभी के समक्ष हम बधाई देते हैं अपने सभी प्रत्याशियों को जो जीत करके आए, उन्होंने जो कड़ी मेहनत की 42 डिग्री सेंटीग्रेड में, हमने उस पे लगातार उसको देख देख करके हम भी ऊर्जान्वित होते रहे। और इसी के साथ हम दिल्ली की जनता को एक बार फिर से धन्यवाद करते हैं और अपने सभी साथियों से चाहेंगे कि वो अपनी बात, अपने संघर्ष, अपने इतने दिनों की कहानी को आपके साथ शेयर करें। जय हिंद, जय दिल्ली।